नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों बात करेंगे एनिग्मा कंपनी के एम्बियर एनेट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इस स्कूटर को कंपनी ने कल ही लॉन्च किया है एंड दोस्तों आप लोग सुनकर के चौंक जाएंगे कि इस स्कूटर में आपको मिलती है 250 किलोमीटर तक की रेंज। चौंक गए ना, 250 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रेंज होती है दोस्तों। अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतनी रेंज नहीं मिलती, मगर ये कंपनी आपको ये रेंज प्रोवाइड कर रही है। मगर दोस्तों अभी खुश मत होइए, एक्चुअली में बड़ा झोल है इस कंपनी के इस स्कूटर के बारे में। क्या झोल है, क्या कहानी, सब आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस कंपनी के पास कई स्कूटर्स ऑलरेडी हैं। लो स्पीड स्कूटर्स भी हैं, हाई स्पीड स्कूटर्स भी हैं एंड ये जो स्कूटर की मैं बात कर रहा हूँ एम्बियर एनेट की, ये कल ही इन्होंने लॉन्च किया है। मगर दोस्तों कहानी क्या है, देखिए मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस तरह की कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, क्योंकि ये कंपनीज क्या है, प्रोडक्ट तो लॉन्च कर देती हैं मगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं कराती। मात्र इनकी वेबसाइट पर ही जो है इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इन्फॉर्मेशन इनकी तरफ से नहीं दी जाती है। दूसरा, इन्फॉर्मेशन चलो दे भी दी इन्होंने गिर पड़ के कैसे भी करके, तो इनकी तरफ से कोई लॉन्चिंग इवेंट का कुछ अता पता ही नहीं होता कि कहाँ लॉन्चिंग इवेंट हो रहा है, कहाँ ऑनलाइन कहीं शो होगा नहीं होगा, या बस ऑफिशियली इनका मतलब कंपनी के अंदर ही ये अपना लॉन्चिंग इवेंट कर देते हैं ताकि दुनिया को कुछ इनके बारे में पता ही ना चले। तीसरी, इनकी चलो लॉन्चिंग इवेंट सब कुछ हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, मगर ये अपने प्रोडक्ट की फोटो वीडियो तलक लॉन्च नहीं करते, दिखाते नहीं है दुनिया को कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसा दिखता है। कहीं दूर दूर तक इनकी फोटो वीडियो आपको नजर नहीं आएगी, फोटो तो चलो फिर भी दिख जाएगी, वीडियो जिनकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एक भी वीडियो इस स्कूटर की आपको नहीं मिलेगी एम्बियर N8 की, आप लोग सर्च कर लीजिए। किसी कस्टमर ने या किसी आसपास के रहने वाले ने किसी ने वीडियो बना करके यूट्यूब वगैरह पर डाल दिया तो डाल दियो, अदरवाइज आपको कहीं इसकी वीडियो नहीं मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। यूट्यूब की मैं मेनली अगर बात करूं तो यूट्यूब पर दूर दूर तक इस कंपनी का कोई चैनल नहीं है जहां पर ये अपने स्कूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके, एडवर्टीजमेंट कर सके अपने प्रोडक्ट का। तो दूर दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पर। एंड सोशल मीडिया की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर इनके इस स्कूटर के बारे में पर्टिकुलर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या इन्होंने लॉन्च किया है नहीं किया है, ABCD कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके इंस्टाग्राम पेज पर नहीं है इस स्कूटर के बारे में। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर आपको इनके स्कूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट ये लेकर के आए हैं एंड उसमें भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो अभी आपको पता चल जाएगी, बाकी इनकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों थोड़ा गुस्सा ज़रूर आता है जब इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, कंपनी लॉन्च करती है, वीडियो बनाने का मन नहीं करता लेकिन गुस्सा है इस प्रोडक्ट के बारे में भी, तो अभी आपके सामने जाहिर करना ज़रूरी था जो मैंने कर दिया। एंड अभी और झोल बाकी है इस वीडियो में इस स्कूटर के बारे में, आगे चल करके आपको पता चल जाएगा। तो ये तो मैंने जो मेरा गुस्सा था मैंने निकाल दिया, बात करते हैं इस स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस के एंड फीचर्स के बारे में। इस स्कूटर के डिज़ाइन की बात करें तो बड़ा यूनिक पीस ये नज़र आता है, हेडलाइट एंड बैकलाइट दोनों ही LED हमें इसमें देखने को मिलती है। वहीं टायर की बात करें तो दोस्तों MM में इसके टायर की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, 3.1 इंच के टायर इसमें हमें देखने को मिलते हैं एंड दोनों ही टायर्स में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं फ्रंट में भी एंड रियर में भी। मोटर की बात करें तो इसमें आपको जो मोटर मिलती है वो 3000 वाट तक की पीक पावर प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद बात करें अगर लोड बियरिंग कैपेसिटी की तो 226 किलोग्राम तक का लोड आप इस स्कूटर पर कैरी कर सकते हैं एंड मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोड है, क्योंकि बाकी जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं ये लोड बियरिंग कैपेसिटी तो जो देती हैं वो 150 किलोग्राम तक की ही देती हैं। LED स्पीडोमीटर इसमें आपको देखने को मिलता है एंड 2.94 किलोवाट आर का बैटरी पैक इसमें हमें देखने को मिलता है, लिथियम आयन बैटरी एंड दोस्तों लेड बैटरी भी इसमें हमें देखने को मिलती है, मतलब दोनों ऑप्शन है, लिथियम आयन बैटरी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, लेड बैटरी का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, रियर में आपको ड्यूअल शोकर मिल जाता है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूँ तो 160 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें हमें देखने को मिलता है, 24 लीटर का बूट स्पेस इसमें हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक झोल नज़र आता है, 24 लीटर का बूट स्पेस आपको दिखेगा इनकी वेबसाइट पर एंड सेम वेबसाइट पर सेम पेज पर आपको 22 लीटर का बूट स्पेस भी नज़र आएगा। मतलब एक ही स्कूटर में दो तरह के बूट स्पेस कैसे
यहाँ पर हमें दिख सकते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट में देखें झोल नजर आता है, एक जगह लिखा है 24 लीटर्स, एक जगह लिखा है 22 लीटर्स। वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो 60 से 65 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि इनकी वेबसाइट पर मेंशन नहीं है मगर इनके ट्विटर वाले पोस्टर पर मेंशन है। चार्जिंग टाइम इसमें आपको 4 से 6 घंटे तक का मिलता है, मतलब 4 से 6 घंटे में फुल चार्ज ये स्कूटर हो जाएगा। एंड यार ये जो मैंने झोल की बात करी है ना, ये झोल यहीं पर ख़त्म नहीं होता, आगे चल करके भी अभी आपको एक और बड़ा झोल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो बड़ा झोल क्या है, लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस स्कूटर में मिलने वाले कुछ फीचर्स के बारे में। फीचर्स की बात करें तो इस स्कूटर में आपको मिलती है सेंट्रल लॉकिंग विद एंटी थेफ्ट अलार्म, कीलेस एंट्री मिल जाती है, फाइंड माई स्कूटर का ऑप्शन आपको मिलता है, यूएसबी पोर्ट मोबाइल चार्जिंग के लिए मिल जाता है, मोटर वॉकिंग असिस्टेंस मिलता है, रिवर्स मोड काफ़ी अच्छी बात है मिल जाता है आपको, जियो फेंसिंग भी मिल जाता है, जीपीएस ट्रैकिंग मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के अच्छे खासे फीचर्स आपको इस स्कूटर में मिल जाते हैं। वहीं वारंटी की बात करें अगर, तो वारंटी आपको मिल जाती है 1 साल की जो लेड बैटरी वाला ऑप्शन है उसमें, एंड 3 साल की जिसमें लिथियम आयन की बैटरी है उसमें 3 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। वहीं अगर दोस्तों प्राइस की बात करें तो 1.5 लाख टू 1.10 लाख इसका एक्स्ट्रा रूम प्राइस रखा गया है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं तो उस हिसाब से इसका प्राइस वेरी करेगा, तो आपकी सिटी के हिसाब से आपका प्राइस डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं झोल पर। देखिए मैंने जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस प्रोडक्ट में, इस स्कूटर में आपको 250 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है, एंड ये मेंशन है दोस्तों इनकी वेबसाइट पर, आप लोग देख सकते हैं कि रेंज लिखा है अप टू 250 किलोमीटर्स। तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा रेंज ये होती है, मगर दोस्तों झोल कहाँ आता है। आप अगर अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पर देखेंगे इस स्कूटर के बारे में, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स पर लिखा है 200 किलोमीटर तक की रेंज, ठीक है 250 से 200 किलोमीटर वहाँ रेंज हो जाती है। वहीं अगर आप इनके ट्विटर वाले पोस्टर पर देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि मात्र 120 किलोमीटर की रेंज ये प्रॉमिस करता है, ये कंपनी प्रॉमिस करती है, मतलब 250 से सीधा 120 किलोमीटर तक की रेंज। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया IDC रेंज अलग होती है, रियल रेंज अलग होती है, हाँ जानता हूँ अलग होती है, मगर सोचिए आधे से भी कम रेंज, रियल रेंज जो मिल रही है वो आधे से भी कम, एंड मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा कि यार दोस्तों कि क्या वाकई में 120 किलोमीटर की भी रेंज इसमें मिलेगी या नहीं, क्योंकि कंपनी की वेबसाइट पर ही मुझे इतना बड़ा झोल नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया बूट स्पेस में भी आपको एक जगह 24 लीटर लिखा मिलेगा, एक जगह 22 लीटर लिखा मिलेगा, एंड वहीं झोल आपको नज़र आता है रेंज में भी, आपको एक जगह 250 किलोमीटर लिखा नज़र आ रहा है, तो दूसरी जगह ट्विटर पर आपको 120 किलोमीटर लिखा नज़र आ रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है 250 किलोमीटर एंड 120 किलोमीटर में, तो मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि 120 किलोमीटर भी इसमें रेंज आपको मिल पाएगी या नहीं। तो कंपनी को ये थोड़ा सा देखना चाहिए, सुधार करना चाहिए कि कहाँ ये क्या मेंशन कर रहे हैं, वेबसाइट पर क्या मेंशन कर रहे हैं, ट्विटर पर क्या मेंशन कर रहे हैं, तो इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एंड कस्टमर्स इससे बनेंगे नहीं, कस्टमर इससे टूटेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कंपनी इस बात को समझे, एंड आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह के स्कूटर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा जरूर, पहले ठीक से सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, जान लीजिएगा कि हाँ कंपनी वाकई में क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या प्रोवाइड नहीं कर रही है, तभी जाकर के इस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप आगे बढ़िए। एंड कंपनी से ही कहना चाहूँगा कि अपनी चीज़ों को सुधारिए, एंड कुछ नहीं तो दूसरी कंपनियों से आप लोग सीखिए कि दूसरी कंपनीज कैसे प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे चीज़ों को मेंशन करती है, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ भी अट्रैक्ट हों। आप लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, तभी जा करके आपके प्रोडक्ट की भी सेल हो पाएगी। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन थी आपको देनी थी मैंने वो दे दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका आप ओनरशिप एक्सपीरियंस मेरे साथ मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे DM करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।